हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जन विकास रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 280 करोड़ के 18 प्रोजेक्ट का शिलान्यास व उद्घाटन किया और 588 करोड़ के कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के लाभार्थियों को लाभ पत्र वितरित किए। जितनी हमने पिछली घोषणाएं की थी वो सारे काम चल रहे हैं, जिसमें लगभग 18 प्रोजेक्ट आज शिलान्यास और उद्घाटन का किया है। 18 प्रोजेक्ट की कुल कीमत 280 करोड़ रुपया ये आज हमने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम पूरे प्रदेश भर में अपनी तरह का एक ही स्टेडियम है। जून माह में खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा। मोरनी में टीकर ताल में एयर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया गया है। एचएमटी में 60 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम, जिस स्टेडियम के हॉल में आज हम बैठे हैं ये उसी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम ये और कहीं नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा अगर स्टेडियम खेल के लिए चौधरी देवीलाल स्टेडियम बना है तो वो पंचकुला में बना है। बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का कार्यक्रम, जिसमें 14,000 लोग पूरे देश भर के यहाँ आएंगे, वो 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ होने वाला है जून के महीने में। इस अवसर पर लाभार्थियों जिन्हें आज मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र वितरित किए, उन्होंने कहा कि उन्हें पता भी नहीं था कि वे बीपीएल लाभार्थी हैं। उन्हें दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें लाभ पत्र दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने कहा कि इससे उनके परिवार का इलाज आसानी से हो पाएगा। बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कोई भी बीमार हो जाता है मेरी फैमिली में, उसके लिए जैसे हॉस्पिटलाइज जाना हो वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट होगा, पर साल मुझे 5 लाख का इसमें बेनिफिट मिलेगा। वहाँ बस मुझे भी नहीं, अचानक से एकदम से फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ, आपका ये राशन कार्ड बन गया है, और मुझे तो कोई पता भी नहीं था। बस अचानक से एकदम से उन्होंने बोला, मैं आई तो बस यहाँ पे उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।